फ्रेंड्स, कैसे आप सब? फ्रेंड्स, हमें हमारे बालों से लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी हमारे बाल लंबे हो जाते हैं बट वो पतले रहते हैं, कभी हमें दो मुंहे बालों की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें ट्रिमिंग करवानी पड़ती है, फिर दोबारा से वो दो मुंहे बाल आ जाते हैं, और कभी कभी तो हमें इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है जो हमें इतना इरीटेट करता है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग मतलब अपने डेली रूटीन में इन बालों के लिए झेलते हैं। सबका एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ और मैं भी उसे यूज़ करती हूँ और अभी तक यूज़ कर रही हूँ बचपन से लेकर, तो काफ़ी कुछ मुझे फ़ायदा उसे मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ही इसको शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। घी लेना है। सबसे पहले हमें एक कटोरी लेनी है और घी लेना है, और हमें सिर्फ एक चम्मच अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक चम्मच घी ले लेना है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, और अगर छोटे हैं तो उस हिसाब से कम भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, तो मेरे बाल सूख चुके हैं। मैंने जस्ट इन्हें कॉम किया है और सूख गए हैं ये। तो आप देख सकते हो मेरे बालों को, मेरा स्कैल्प भी देख सकते हो, बिल्कुल साफ लग रहा है ये देखिए, और मेरे हेयर शाइनी भी लग रहे हैं, कोई रूखे नहीं लग रहे हैं, स्ट्रेट भी लग रहे हैं, अच्छी शाइन आ गई, अच्छी चमक आ गई है इनमें। और मुझे स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम है, मेरे दो मुंहे बाल बहुत हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक, अगर आपको दिख रहा होगा तो काफ़ी हद तक मतलब मेरे स्प्लिट एंड्स भी इनको इस तरीके को यूज़ कर करके निकल चुके हैं, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं जब मैं कलर्स वगैरह या कुछ यूज़ करती हूँ। तो मैं हमेशा घी लगाती हूँ, तो काफ़ी कुछ मुझे इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाता है इस घी लगाने से। तो अगर आपको भी आपके बाल रूखे हैं, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपके बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं, और अगर आपको बाल झड़ रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके को ज़रूर इस्तेमाल करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इस्तेमाल किया तो आपका क्या रिज़ल्ट आया। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।